गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 6, क्लोदिंग फ्रॉम योर ईवीएस बुक. बिफोर डूइंग दिस वर्क, एवरीबडी शुड नो वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना. सो चिल्ड्रन, 3 थिंग्स टू बी फॉलोड: वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग योर हैंड्स, वेयरिंग अ मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क. चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर we will learn about clothes. Okay, so now let's start. We wear clothes to cover and protect our body. हम clothes क्यों पहनते हैं? अपने आप को cover करने के लिए और अपनी body को protect करने के लिए. Okay, clothes protect us from heat, cold, wind, rain, the sun, dirt, dust and insect bites. एंड चिल्ड्रन, जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? हमें हीट से, कोल्ड से, सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, मिट्टी, इंसेक्ट बाइट्स, इन सब चीज़ों से हमें क्लोथ्स जो हैं प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, प्लेस, वर्क एंड ओकेजन. अब जो क्लोथ्स हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं? अकॉर्डिंग टू सीजन पहनते हैं, अकॉर्डिंग टू our work, according to our place and according to occasion. अब अगर if we are going any wedding, अगर हम किसी wedding में जा रहे हैं तो क्या हम घर के clothes में wedding में जाते हैं? नहीं ना, हम क्या पहनते हैं? Party wear clothes. ओके, एंड वर्क, अगर कोई अपनी स्पेशल जॉब पे जा रहा है, अब जैसे आप स्कूल आते हैं तो स्कूल में आप क्या पहन के आते हैं? आप घर के क्लोथ्स में तो नहीं आते ना, तो दैट टाइम हम क्या पहनते हैं? यस, यूनिफॉर्म वियर करते हैं. सो चिल्ड्रन, हम अकॉर्डिंग टू सीजन हो या कोई प्लेस हो या कोई ऐसा वर्क हो हमारा या फिर कोई ओकेजन हो, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या पहनते हैं? क्लोथ्स पहनते हैं. ओके, एंड चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन. अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सीजन्स के अकॉर्डिंगली हम कौन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं. सो वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन बिकॉज अलग अलग सीजन आते हैं और हम एक ही जैसे क्लोथ्स हर सीजन में तो नहीं पहन सकते, है ना? तो इसीलिए डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. ओके, नाउ चिल्ड्रन, फर्स्ट इज क्लोथ्स इन समर. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. Cotton clothes are light and keep us cool. Cotton clothes are made from cotton and we get cotton from cotton plants. Children, summer. Summer season कौन सा होता है? गर्मी का season होता है ना, जब आपकी summer vacations भी होती हैं. So children, summer season में हम लोग cotton clothes पहनते हैं. And why we wear cotton clothes in summer? Because cotton जो होता है वो हमें बहुत light और बहुत कूल रखता है. बहुत लाइट क्लोथ्स होते हैं कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, और कीप अस कूल, और वो हमें ठंडा भी रखते हैं, कूल भी रखते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है ना. एंड चिल्ड्रन, कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो कॉटन से बनते हैं. एंड फ्रॉम वेयर वी गेट कॉटन? वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. हमें कहाँ से मिलती है कॉटन? कॉटन प्लांट से मिलती है. ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट आता है क्लोथ्स इन विंटर. अब हम विंटर सीजन में कौन से क्लोथ्स वियर करते हैं? सो वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. एंड वुलन क्लोथ्स कीप अस वॉर्म. वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वूल. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. बिकॉज चिल्ड्रन, नाउ अ डेज विच सीजन इज गोइंग ऑन? कौन सा सीजन चल रहा है? येस, विंटर सीजन इज गोइंग ऑन. हम सभी ने इन दिनों क्या पहना हुआ है? वुलन क्लोथ्स पहने हुए हैं ना. तो क्यों? क्योंकि हमें वुलन क्लोथ्स क्या कर रखते हैं? वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, इसीलिए हम विंटर्स में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. एंड नाउ क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वेयर वी गेट वूल? अब हमें वूल मिलती कहाँ से है? वी गेट वूल फ्रॉम शीप. और वुलन क्लोथ्स वूल से बनते हैं और वूल हमें शीप से मिलती है. एंड चिल्ड्रन, इन कंट्रीज वेयर विंटर्स आर वेरी सीवियर, पीपल वेयर फर और लेदर क्लोथिंग. और कुछ एक कंट्रीज वो होती हैं जिनमें ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर लोग क्या पहनते हैं? वो वियर करते हैं फर और लेदर क्लोथिंग, ठीक है. एंड नाउ हेयर इट इज़. फर क्या होता है? द सॉफ्ट थिक मास ऑफ हेयर दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स.
Okay, and leather, animal skin that has been specially treated, used for making clothes, shoes, furniture and so on. So, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर जो लोग होते हैं वो फर और लेदर के बने भी क्लोथ्स वियर करते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज क्लोथ्स इन रेनी सीजन. अब रेनी सीजन, वी ऑल नो दैट कि हम लोग रेनी सीजन में क्या क्या वियर करते हैं. वी वियर रेनकोट्स इन द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट. अब अगर हम बारिश में रेन में ऐसे ही निकल जाएंगे तो हम गीले हो जाएंगे. वेट माने गीला हो जाना, तो हम रेनकोट वियर करते हैं. रेनकोट्स आर मेड ऑफ रबर और प्लास्टिक. अब रेनकोट्स किस किस के चीज़ के बने होते हैं, रबड़ के भी और प्लास्टिक के भी. सिंथेटिक क्लोथ मेड फ्रॉम मटीरियल्स सच एज नायलॉन आर लाइट एंड ड्राई फास्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो एक तरीके का मटीरियल होता है सिंथेटिक, ठीक है. एंड सच एज नायलॉन आर लाइट एंड ड्राई, और जो नायलॉन होता है वो बहुत ही हल्का और बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है फास्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान. ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन, अभी हमने सीजन्स के अकॉर्डिंग क्लोथ्स पढ़े. नाउ वी विल डिस्कस क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू प्लेस. अब हम प्लेस के अकॉर्डिंग कौन से क्लोथ्स वियर करते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे. सो पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट कंट्रीज. अब हर कंट्री में एक जैसे क्लोथ्स तो वियर नहीं होते ना, किसी कंट्री में किसी तरीके के क्लोथ्स होते हैं, सबके अपने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स होते हैं. सो चिल्ड्रन, मैन एंड वुमेन हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग. अब मेन और वुमेन सबका अपना ड्रेसिंग का स्टाइल होता है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, अब इंडिया में वुमेन मोस्टली वियर अ साड़ी और सलवार कमीज. अब इंडिया में मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं वो क्या वियर करती हैं, या तो साड़ी वियर्स करती हैं या फिर सलवार कमीज. सम वुमेन ऑल्सो वियर ट्राउजर्स, शर्ट, स्कर्ट एंड सो ऑन. लेकिन कई वुमेन्स ऐसी भी होती हैं जो ट्राउजर, शर्ट, स्कर्ट ये भी वियर करती हैं इंडिया में. एंड मेन वियर पजामा, कुर्ता, ट्राउजर्स, धोती एंड शर्ट्स और टी शर्ट्स. और मेन्स क्या क्या वियर करते हैं, सो पजामा कुर्ता हो गया, ट्राउज़र हो गई, धोती हो गई, टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गई, तो ये सब भी इंडिया में मेन्स वियर करते हैं. तो चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अब प्लेस के अकॉर्डिंगली वहाँ के मेन और वुमेन अपने क्लोथ्स वियर करते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट इज क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वर्क. क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वर्क में जस्ट लाइक यू वियर योर यूनिफॉर्म टू स्कूल. अभी मैम ने आपको बताया ना, जस्ट लाइक यू वियर योर यूनिफॉर्म टू स्कूल, पीपल इन वेरियस प्रोफेशंस ऑल्सो वियर अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथिंग कॉल्ड अ यूनिफॉर्म. यानी कि वो लोग जो अपने प्रोफेशन में होते हैं अलग अलग, सपोज कोई डॉक्टर है, लॉयर है, पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिसमैन है, तो इन सब के क्या होती हैं, इन सब की यूनिफॉर्म्स होती हैं बिकॉज वो उनका प्रोफेशन होता है, ठीक है. सो पीपल इन वियर वेरियस प्रोफेशन ऑल्सो वियर अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथिंग कॉल्ड अ यूनिफॉर्म. तो जब एक पुलिसमैन होगा आप अलग से पहचान जाते हो ना कि ये पुलिसमैन है, ये ट्रैफिक पुलिसमैन है, ही इज़ अ डॉक्टर और शी इज़ अ डॉक्टर. बिकॉज डॉक्टर क्या वियर करते हैं, वाइट कोट वियर करते हैं. लॉयर क्या वियर करते हैं, वो ब्लैक कोट वियर करते हैं. तो वो उनका प्रोफेशन होता है बिकॉज वो उनकी जॉब होती है, ठीक है. और उनको जब अपनी जॉब पे होना होता है तो वो अपनी क्या वियर करते हैं, यूनिफॉर्म वियर करते हैं. जैसे आप जब स्कूल आते हो तो आप घर के क्लोथ्स में तो नहीं आ सकते, आप यूनिफॉर्म में स्कूल आते हो. ठीक इसी तरह से जो लोग इन प्रोफेशंस में होते हैं जहाँ पर स्पेशल यूनिफॉर्म्स होती हैं वो लोग वही वियर करते हैं. ओके चिल्ड्रन, तभी क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वर्क, इसीलिए हमारे वर्क पर डिपेंड करता है कि हम यूनिफॉर्म पहनेंगे या नहीं. ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन हेयर आर सम एग्जाम्पल्स. हैव यू सीन पुलिसमैन, फायरमैन, नर्सेज, डॉक्टर्स एंड पोस्टमैन इन देयर यूनिफॉर्म्स. अब देखो दिस इज द पिक्चर ऑफ पुलिसमैन, नर्स. आप कभी भी नर्स को देखो, नर्स इसी ड्रेस में होती हैं, डॉक्टर वाइट कोट में होते हैं, पोस्टमैन जब आपको कोई लेटर्स वगैरह या कोई कोरियर्स देने आते हैं, फायरमैन की यूनिफॉर्म. बिकॉज ये लोग अपने इन प्रोफेशंस में होते हैं और इनकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है. तो क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन. ओके, नाउ चिल्ड्रन, क्लोथिंग फॉर स्पेशल ओकेजन्स. नाउ वी विल डिस्कस ओकेजन्स के अकॉर्डिंगली हम
क्या वियर करते हैं. वी ऑल्सो वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स सच एज वेडिंग्स एंड एनी अदर फंक्शंस. आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए हो, किसी की वेडिंग में गए हो, ठीक है, तो हम लोग स्पेशल क्लोथ्स वियर करते हैं. सो क्लोथ्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स आर जनरली मेड फ्रॉम सिल्क एंड सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म. नाउ चिल्ड्रन, जो सिल्क के क्लोथ्स होते हैं ना, वो पार्टी वियर क्लोथ्स होते हैं, क्योंकि सिल्क के क्लोथ्स हम यूं ही घर में पहनकर ऐसे नहीं घूमते. ओके, सो इसीलिए आपको ये बताया गया है कि जो क्लोथ्स फॉर स्पेशल ओकेजन आर जनरली मेड फ्रॉम सिल्क, तो वो जो सिल्क के क्लोथ्स हैं वो हम लोग पार्टीज़ में पहनते हैं. और जो सिल्क होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? कोकून से. कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म. सिल्क वर्म एक इंसेक्ट होता है जिससे हमें क्या मिलती है? सिल्क मिलती है, ठीक है. और उसी से ही हम अपना सिल्क के फैब्रिक से हम क्या बनाते हैं? सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं, सूट्स भी होते हैं. ओके, so children, I hope you all have understood this chapter. And what you have to do, you have to read this chapter thoroughly. Okay, आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है. Okay children, bye, have a nice day.